खबर रीवा से है। चैत्र नवरात्र के शुरू होते ही जहां देश भर में देवी मंदिरों में 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना होती है, तो वहीं रीवा जिले में भी मां कालिका के लगभग 450 से भी ज्यादा पुराना प्राचीन मंदिर है, जिसमें भक्तों का तांता सुबह से ही लग जाता है। देवी मां के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार दिखने लगती है। फल फूल माला सिंदूर सहित पूरे मंदिर की रौनक यहाँ देखते ही बनती है। मंदिर बहुत पुराना है और ये रानी तालाब मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका अपना एक इतिहास है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं रानी तालाब मंदिर में। रानी तालाब मंदिर के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। आस्था के इस केंद्र इस प्राचीन मंदिर में स्थापित मां कालिका का अपना अलग महत्व है। पहले इसका संचालन राजघराने के द्वारा किया जाता था, अब भारत सरकार के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इस मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी है। यहाँ के सिद्धपीठ में माँ कालिका का नाम यहाँ के विशाल तालाब रानी तालाब की देवी के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम रानी तालाब क्यों पड़ा वो हम आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काफी वर्ष पूर्व यहाँ पर लवाना जाति के लोगों ने तालाब खोदा था। उस वक्त यहाँ रीवा राजघराने की महारानी कुंदन कुंवरी जब पूजा करने रक्षाबंधन के दिन पहुंची तो प्रसन्न होकर लवाना लोगों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा। तब लवाना के लोगों ने महारानी को भेंट स्वरूप ये तालाब दे दिया। तब से स्थान रानी तालाब के नाम से जाना जाता है। माँ कालिका की मूर्ति भी यहाँ स्थापित होने के पीछे एक वजह है, वो ये है कि कई वर्षों पूर्व राजा प्राग्जदेव के समय इस मूर्ति को लवाना लोग अपने साथ लेकर आ रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि देवी माँ की मूर्ति ने यह कह दिया था कि जहाँ मुझे एक बार स्थापित कर दिया जाएगा वहाँ से मैं उठूंगी नहीं, और लवाना लोगों को ये बात ध्यान से उतर गई। वो लोग मूर्ति को बैलगाड़ी में लिए हुए थे और यहाँ रुक कर आराम करने की सोचा, खाना बनाकर खाने लगे और सो गए। जब सुबह जाने की तैयारी करने लगे और मूर्ति उठाने की कोशिश की तो मूर्ति उठी ही नहीं, जिसके बाद लवाना लोग ये मूर्ति यहीं छोड़कर चले गए। जिसके बाद राजघराने के द्वारा यहीं पर मंदिर बनवाया गया और यहीं पर मूर्ति स्थापित कर दी गई। तब से देवी माँ कालिका की मूर्ति यहीं स्थापित है। रीवा राजघराने के द्वारा मंदिर में माँ को स्वर्ण आभूषणों से संवारा गया है। अष्टमी और नवमी को माँ का श्रृंगार स्वर्ण आभूषणों से किया जाता है। माता के श्रृंगार के पीछे की कहानी भी रोचक है। राजा विश्वनाथ के वंशज में पुत्र की शादी हो रही थी और तभी माता उनके स्वप्न में आई और कहा कि बेटे की शादी करने जा रहे हो लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। तब माता से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो माता ने कहा मेरा 16 श्रृंगार करवाओ और उसके बाद बारात जाएगी। तब राजघरानों के द्वारा सुनारों को बुलाकर माता के जेवरात बनवाए गए और माता को पहनाया गया, उसके बाद बारात गई। तब से लेकर आज तक राजघराने से विशेष पूजा अर्चना होती आ रही है। हालांकि इस बार कोरोना के प्रकोप के चलते भक्तों के लिए मंदिर के पट नहीं खोले गए और मेले का भी आयोजन नहीं किया गया, जिससे भक्तों में काफी निराशा रही। देखिए ये तो रीवा का रानी तालाब माँ काली शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है, जिससे कि राजवाड़ों द्वारा इसका पहले संचालन होता था। आज जो है तो ये जो मूर्ति की बात है कि रीवा में रानी तालाब मूर्ति कैसे आई, ये लगभग 450 वर्ष पुरानी बात है, 1727 की बात है, क्योंकि हमारे पूर्वज को 1727 में उठाया गया था। मैं 8 पीढ़ी से माँ की सेवा कर रहा हूँ और निरंतर करते चला रहा हूँ, तो हमारे पूर्वज ने बताया भाई कि ऐसी ऐसी कहानी है, तो वही कहानी को हम भी बताते चले जा रहे हैं। तो भाई लगभग 450 वर्ष पुरानी बात है और यहाँ साल में 2 बार नवरात्र लगता है, चैत और कुमार में। माई के यहाँ जो है स्वर्ण का श्रृंगार अष्टमी नवमी को स्वर्ण का श्रृंगार होता है, जो 16 श्रृंगार के रूप में जाना जाता है। यहाँ जो है लोगों की श्रद्धा का जो केंद्र बना हुआ है, इतना तगड़ा बना हुआ है कि यहाँ बाहर से बम्बई कलकत्ता रीवा हर जगह से लोग यहाँ पहुँचते हैं। आज ही जबलपुर कटनी के लोग बहुत लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं भीड़ में, क्योंकि आज प्रथम शैली पुत्री का माँ का जन्म हुआ है, तो आज महा आरती की गई है और इसके बाद जो है यहाँ निरंतर भीड़ चल रही है और रात की जो है 11 बजे तक यहाँ भीड़ निरंतर चलती रहेगी। और यहाँ आ सके और यहाँ जीप भी चाहते हैं, बकरे भी चाहते हैं, ये सब माई के यहाँ चाहते हैं, बहुत ही श्रद्धा रखते हैं।
माता रानी की दया सबके ऊपर बहुत रहती है, जो मांगो पूरा होता है। माता रानी चैत महीना में नवरात्रि जब चालू हो जाती है तो हम लोग 9 दिन बराबर आते हैं माता रानी के शरण में, और माता की बहुत दया रहती है हम लोगों पर। कुमार महीने में भी माता रानी के दर्शन कराते हैं नव दुर्गा पे, और ये बहुत दूर दूर से लोग आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, इसलिए माता रानी तुलारी माता बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। श्रद्धा रखते हैं माता जी से, कब से आ रहे हैं? जी मैं यहाँ 7-8 साल से आ रहा हूँ, और देवी के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। यहाँ मानना है कि देवी से जो भी मन्नत मांगो देवी उसे पूरा करती हैं। मैं हर साल चैत्र और सादे नवरात्र में यहाँ दर्शन कर देवी के दर्शन करने आता हूँ, और अपनी फैमिली को भी लेके आता हूँ। देवी के प्रति जो भी मान्यता मांगो देवी उसे पूरा करती है।